हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड इट इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस सच एज प्लैनेट और स्टार फ्रॉम अर्थ। प्लैनेट और स्टार्स की डिस्टेंस जो है उनको मेजर करने के लिए हम पैरेलेक्स मेथड जो है वो यूज करते हैं। व्हाट इज पैरेलेक्स? पैरेलेक्स क्या है? इसको हम एक एक्टिविटी से देखते हैं। होल्ड अ पेन इन फ्रंट योर आईज अगेंस्ट एनी बैकग्राउंड। किसी भी बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपने क्या करना है, पेन को होल्ड करना है एंड look it with your left eye closing your right eye, right eye को क्लोज करके आपने इसको क्या करना है, left eye से देखना है and after that look it with right eye closing your left eye को क्लोज करके भी देखना है। तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि आपने क्या किया, आपने पेन की पोजिशन को फिक्स किया हुआ है। ये क्या है, पेन है और यहां पे क्या है, left eye है और यहां पे क्या है, राइट आई। आपने क्या किया, इसको किसी भी बैकग्राउंड के अगेंस्ट फिक्स किया है। राइट आई से आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या आ रहा है, ये पोजीशन आ रही है। अगर आप इसको लेफ्ट आई से ऑब्जर्व करते हो तो इसके अंदर बैकग्राउंड कहां आ रहा है, ये आ रहा है। अगर राइट आई से इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसका बैकग्राउंड जो है वो कहां रहेगा, इस बैकग्राउंड के साथ इसकी पोजीशन शो होगी। व्हेन वी चेंज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट इज नोन एज पैरेलेक्स, मींस पैरेलेक्स इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। कब चेंज होगी, व्हेन देयर इज डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस पेन को अगर हम ऑब्जर्व करें कहां से, फर्स्ट लेफ्ट आई से, लेफ्ट आई क्लोज करेंगे राइट आई से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो एंगल जाएगा वो इस टाइप से जाएगा, बैकग्राउंड इस साइड से आएगा। व्हेन वी क्लोज अवर राइट आई एंड लुकिंग इट विद लेफ्ट आई देन किस साइड जाएगा, इस साइड का बैकग्राउंड आएगा। मीन्स इसकी पोजिशन जो है वो क्या हो रही है, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। देन ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है उनके बिटवीन ये डिस्टेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। एंड दिस एंगल एल ओ आर, दिस एंगल थीटा, इट इज नोन एज पैरालेक्स एंगल, पैरालेक्स और पैरालेक्टिक एंगल। एल आर इट इज बेसिस, this angle is known as parallax angle. Knowing distance LR and angle theta, we can measure OA. Taking LR as an arc of length B, ये distance जो है हमने क्या ले ली, B, एंड रेडियस एल ओ इक्वल्स टू आर ओ इक्वल्स टू एक्स, देन वी हैव थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क एल आर डिवाइडेड बाय रेडियस ओ एल, थीटा इक्वल्स टू बी बाय एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू बी बाय थीटा। नोइंग B and measuring theta, we can calculate x. B दोनों observation points जो है उनके between की distance हमें पता है, theta को हम measure करेंगे then we can calculate distance x,
एक्स डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार। लेट इट इज अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, इट इज द पोजिशन ऑफ सन। ये जो है ये क्या है, अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एट एनी इंस्टेंट द पोजिशन ऑफ द अर्थ ए, लेट एफ इट इज अ फार स्टार, ये क्या एक स्टार है हुज पोजिशन रिमेन सेम विद द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एट ऑल पोजिशन ऑन द अर्थ एट ऑल टाइम। पोजिशन अर्थ की अगर चेंज हो रही है विद टाइम, तो ये जो एफ फार स्टार है इसकी पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम क्या ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। एंड एन इट इज अ नियर बाय स्टार हुज डिस्टेंस टू बी मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ, इसकी डिस्टेंस जो है ये हमें क्या करना है, अर्थ से मेजर करनी है। एन ए एन ये डिस्टेंस जो है हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। लेट एट एनी इंस्टेंट द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज ए, किसी भी इंस्टेंट पे अर्थ की पोजिशन जो है वो क्या है, ए है। एट एनी इंस्टेंट द पोजिशन ऑफ अर्थ एट ए, then measure the angle F A N that is theta 1 which is angle between the light from far star and the light from near star, जिसकी distance हमें measure करनी है उस star से जो light आ रही है उसमें तथा far star से जो light आ रही है उन दोनों के between angle क्या है, theta 1। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंगल एफ ए एन इक्वल्स टू एंगल, यहां से अगर हम सन को ज्वाइन करें देन दिस एंगल ई एन एस, ई एन एस इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा 1। आफ्टर 6 months, after 6 months the position of earth at b, 6 months जो है उसके अंदर ये क्या करेगा, half revolution complete कर लेगी यार, तो इसकी position कहां पे आ जाएगी, diametrically opposite आ जाएगी, a से कहां पे पहुंचेगी, diametrically opposite b। now position of far star remains same, far star जो है उसकी position same रहेगी, then again measure angle theta 2 between light from far star and light from near star theta 2। अब astronomical telescope जो है उससे क्या करेंगे, angle theta 2 जो है उसको measure करेंगे, and this angle theta 2 is equals to angle BNS theta 2, this angle theta 1, then angle FBN F B N equals to angle B N S equals to theta 2। ये एंगल हम क्या कर लेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। फ्रॉम डायग्राम एंगल A N B, A N B equals to theta equals to angle A N S plus angle B N S theta 1 plus theta 2, तो ये हमारे पास आएगा angle A N B equals to theta 1 plus theta 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस एंगल की वैल्यू आ गई। एंड A B डिस्टेंस A B equals to twice of AS,
ये जो है ये क्या है अर्थ का ऑर्बिट जो है उसका डायमीटर है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AS equals to 1 AU. 1 AU 1.5 into 10 raised to power 11 meter. ये डिस्टेंस जो है ये क्या है अर्थ का जो ऑर्बिट है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एवरेज डिस्टेंस है तो ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करें तो 2 into 1.5 into 10 raised to power 11 that is 3 into 10 raised to power 11 meter. AB diameter of Earth's orbit. From this triangle, we can assume AB it is the length of arc, ANB it is angle theta which is equals to theta 1 plus theta 2, then theta equals to length of arc AB divided by radius AN and distance AN which is the distance of nearby star from the अर्थ ए एन इक्वल्स टू ए बी बाई थीटा ए एन इक्वल्स टू ए बी इट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻¹ थ्री इंटू 10⁻¹ डिवाइडेड बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 If theta 1 and theta 2 are known, अगर theta 1 और theta 2 known है, then AN can be calculated. तो उस केस में क्या है AN डिस्टेंस जो है जो किसकी डिस्टेंस है nearby star की डिस्टेंस है कहां से अर्थ से वो हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं इट इज द पैरालैक्स मेथड. अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं पैरालैक्स मेथड का. द पैरालैक्स ऑफ ए हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट्स हैं दोनों क्या हैं डायमेट्रिकली अपोजिट हैं ऑन इक्वेटर ऑफ द अर्थ और वो कहां पे हैं अर्थ के इक्वेटर पे हैं इज 2 मिनट. ये 2 मिनट जो है ये क्या दिया हुआ है पैरालैक्स दिया हुआ है मीन्स पैरालैक्टिक एंगल दिया हुआ है. इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी. तो हमें गिवन क्या है थीटा इक्वल्स टू 2.0 मिनट. 2.0 मिनट मीन्स 2/60 ये क्या आ गया डिग्री में आ गया और इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 2/60 इंटू पाई बाई 180 इन रेडियन. ओके सेकंड वी हैव रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर दैट इज 64 × 10⁵ meter. तो यहां पे डायमीटर कितना हो जाएगा डी इक्वल्स टू 2 × 64 × 10⁵ meter. हमें गिवन क्या है अर्थ और इससे डायमेट्रिकली अपोजिट ये इक्वेटर आ गया इसके डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट्स होंगे. यहां से एक हेवनली बॉडी जो है उसकी डिस्टेंस मेजर की है ये एंगल जो है ये कितना गिवन है 2.0 मिनट दिया हुआ है. रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर मीन्स 64 × 10⁻¹ meter हो जाएगा. डायमीटर जो है वो क्या होगा रेडियस का डबल होगा 2 × 64 × 10⁵ तो ये आ जाएगा 128 × 10⁵ meter. ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई ए बी. ये हेवनली बॉडी जो है हमारे पास सपोज ये हमारे पास क्या है ओ है
ये ओ ए डिस्टेंस जो है हमें क्या करनी है, मेजर करनी है. देन दिस एंगल थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क ए बी बाय ए ओ हमें फाइंड करना है. ए ओ देन ए ओ इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय थीटा. थीटा हमारे पास ये है, तो ये वैल्यूज ए बी की हम यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू डी, ये डिस्टेंस ये है, तो ये आ गया 128 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, ये आ गया 60 इंटू 180 मल्टीप्लाई में 128 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 10 रेज टू पावर 7 कर दिया मैंने, जीरो और जीरो ये है 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 ए ओ, ये किस में आ गए मीटर. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 10 मीटर. ए ओ डिस्टेंस इज 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 10 मीटर. तो इस टाइप से हमें क्या है, ये पैरालैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल गिवन है, दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स जो है उनके बिटवीन की डिस्टेंस हमें पता है. इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ और एनी प्लेनेट. इट इज पैरालैक्स मेथड. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.